हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों के समक्ष लाया हूँ और इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए, यहाँ पर एक मेरे पास ई बाइक का चार्जर है और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास ई बाइक का पूरा चार्जर पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये मेरे स्टूडेंट के थ्रू आया हुआ है यहाँ पर, मतलब कि वो कोर्स करने आए थे तो उन्होंने बोला कि सर इसको ठीक कर दीजिएगा। हालांकि वो ई रिक्शे का कोर्स करने के लिए आए थे, हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने देखा यहाँ पर, तो देखिए ये पूरी तरह से पीसीबी क्या है, यहाँ से वर्न हो रखा है, देखिए जल रखा है, देखिए। और आप भी इसका काम सीखना चाहते हैं, ई बाइक का, ई रिक्शे का, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, वायरिंग, पूरा काम सीखना चाहते हैं, अगर अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने का कोर्स है, रहना खाना कंप्लीट, 20,000 रुपये फीस है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मॉस्फेट यहाँ पे बंद हुआ है पीसीबी। तो जनरली बात है भाई, ये मॉस्फेट सेक्शन का ख़राब हुआ है तो मॉस्फेट सेक्शन फॉल्ट होगा। और यहाँ पर देखिए ये इसका मॉस्फेट लगा हुआ है, तो इसका मैं एक बार मॉस्फेट का आप लोगों को नंबर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये नंबर है 8N60, ठीक है, 8N60 का मॉस्फेट है। और यहाँ पर ये जो भी कंपोनेंट जला हुआ इसको हम ठीक करेंगे, साथ ही साथ चेक करते हैं कि इसका फ्यूज का क्या कंडीशन है भाई। तो एक प्रिंट आपका यहाँ लगा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने क्या किया है कि फ्यूज यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ पर फ्यूज नहीं दिया हुआ है, देखिए कंपनी ने प्रिंट ही लगा दिया हुआ है, देखिए देखिए मैं एक बार दिखाने को, देखिए। और यही कंपनी का मेन यहाँ पर हो रहा होगा कमी, ताकि इतना बड़ा यहाँ पर फॉल्ट आया। अगर फ्यूज लगा होता तो आई होप ये फ्यूज उड़ जाता तो ये पीसीबी जलने की समस्या नहीं आती। तो कोई बात नहीं, अब आया है तो इसको ठीक तो करना ही है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से ठीक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉम्पोनेंट जला हुआ है उसको हम बाहर निकालते हैं। देखिए लाइवली मैं निकाल चुका हूँ एक बार। तो ये जो भी कॉम्पोनेंट जैसे आईसी है या रेजिस्टेंस या कुछ भी है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो जल गया है उसको भी हम लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले देखिए ये पूरा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, लंबा वीडियो होगा थोड़ा, स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर पूरी जानकारी चाहिए होगा तो फिर तो भाई पूरा ही वीडियो देखना होगा आपको। तो सबसे पहले मैं देखिए, एक तो यहाँ पे ठंड का मौसम है भाई आजकल, सीधी बात है, तो ठंड से बिल्कुल भी आप लूज मत रहिएगा, पता लगे कि ठंड लग जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबरों को या मेरी फैमिली को किसी को ठंड लगे। तो यहाँ पर मैं तुरंत आयरन में मेरा गर्म हो जाएगा अभी। और इसको मैं सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो आईसी लगी है, ये आपकी आईसी लगी है 3842, मतलब कि 3842 इसकी ड्राइवर आईसी लगी हुई है, ऊपर देखो 3842 यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बिल्कुल बुरी तरह से जल गए हैं, तो इसको भी निकालूंगा, साथ ही साथ एक यहाँ पर पीएफ भी फट गया है, इसको भी मैं बाहर निकालूंगा। और इसका नंबर देखने की हम कोशिश करते हैं कि कौन सा है पीएफ है, अभी एक मिनट चेक कर लेंगे। वो पीएफ का तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो निकाल लेते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं इस कॉम्पोनेंट को खाली कर लेता हूँ और फिर आगे का वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। देखिए किसी भी चार्जर को रिपेयर करने से पहले कुछ चीज़ों का विशेष करके इसमें आप लोगों को ध्यान देना है। जिस मतलब जो भी मैकेनिक है हमारे, अगर उनको कंपोनेंट की टेस्टिंग नहीं आती है तो वो मिस्त्री कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो आप अगर कहीं भी कोर्स कर रहे हैं या मेरे पास कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें कॉम्पोनेंट की टेस्टिंग, कॉम्पोनेंट की पहचान कि किस कंपोनेंट का क्या नाम है, ये टोटल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जीरो लेवल से बिल्कुल, अगर कहते ना अंगूठा छाप से लेकर, मैं यहाँ पर आप लोगों को पूरी सीखने की 100% गारंटी है। अगर अंगूठा छाप है तो भी वो सीखेगा, ठीक है। तो ये चीजें अगर मान के चलिए कि भाई यहाँ पर मानिए ये एलईडी लगा है, एलईडी को चलाने के लिए कितने ओम की या कितने की रेजिस्टेंस लगेगी, या ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, ये आईसी कौन सी है, क्या नंबर है इसका, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है भाई, ये कैपेसिटर कौन सा है, इसकी जगह कौन सा लगाया जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रॉपर मैकेनिक कभी भी लाइफ में नहीं बन सकते हैं। तो फटाफट इसको मैं कंपोनेंट को खाली करता हूँ फिर बताता हूँ। तो एक एक करके हम सभी कंपोनेंटों को बाहर निकाल लेते हैं, हमें तो पता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगना है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो सीधी बात है, एक सिंपल सा मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कंपोनेंट निकालिए
और फिर एक लगाइए। ये रेजिस्टेंस मैंने निकाला 0.33 का है, एक खराब है यहाँ पर, इसको भी हमें चेंज करना है। फिर एक रेजिस्टेंस ये मैंने निकाला यहाँ पर, ये इसका वैल्यू का रेजिस्टेंस है 10K का, ये भी हमारा खराब है। फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस ये खराब है हमारा, इसका वैल्यू है 1K का। उसके साथ में हमारी 3842 IC तो खराब है ही है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 3842 IC खराब है, तो इसको भी हमें आसानी से निकाल लेना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पर ये हमारी 3842 IC खराब है, इसको भी निकाल लिया है। फिर एक और इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसका वैल्यू 10 ओम है, इसको भी हमें निकाल लेना है। ये देखिए ये भी पूरी तरह से जली हुई है। तो ये सभी पिनों को मैं खाली कर लेना है हम लोगों को अच्छी तरीके से, जो जो कंपोनेंट खराब है। और देखिए ऐसा होता है कि ना, मैं आप लोगों को बताऊं सबसे मेन पॉइंट आपको, तो कोई भी इंसान जो है पेट से सीख के नहीं आया है, समझिएगा भाई। सभी यहाँ पर नीचे ही सीखे हैं, अपना जन्म लेने के बाद ही आदमी सीखा है। और उसको आदमी क्या होता है कि वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, करता रहेगा, तो उसे मुंह मत में फेरिए। ये मत समझिए कि भाई मैंने निकाला और तो सर को पता है कि हम पता नहीं उनके जैसा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। भाई कोई भी आदमी पेट से सीख के नहीं आया है, इसको सीखने के लिए समय दिया जाता है, टाइम लगता है, किसी भी चीज़ को समझना पड़ता है। ये नहीं है कि आप लोगों ने समझा कि भाई अभी मेरे से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। अरे भाई क्यों नहीं होगा ये बताइए, बनाया तो उसको इंसान नहीं है, भगवान ने तो आके प्लेट बना नहीं दिया। भगवान ने एक काम करना था, इंसान को बनाना था, बना दिए। उसके बाद जो भी काम किए हैं इंसान ने किया है, तो जो दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जितनी जली हुई है रस्टिंग पीस भी है, उसको हम निकाल लेते हैं, बहुत बुरी तरीके से जला हुआ है ये। देखिए तो देखिए मैंने यहाँ पे रस्टिंग पीसीबी को थोड़ा थोड़ा करके साफ कर लिया है, और जो जो कंपोनेंट है इसमें हम एक एक करके अब इसमें लगाना शुरू करेंगे। एक यहाँ पर पीएफ खराब है, देखिए इसको भी हमें चेंज करना होगा। देखिए यहाँ पर फटा हुआ है, इसको भी चेंज करना होगा। पीसीबी की हालत आप लोग देख सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि और साफ हो जाए। फिलहाल अब ये जला हुआ फॉर्म नहीं निकल रहा है, देखिए तो इसको बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा करेंगे पीसीबी नीचे से छेद हो जाएगा। तो इसमें हम नया कंपोनेंट लाते हैं और फिर एक एक करके लगाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इसकी प्रिंट को अब साफ कर लेना है और एक एक करके कंपोनेंट यहाँ पे हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 3842 IC जो है यहाँ पर, इसका IC का बेस फिट करते हैं हम, ताकि हमें IC लगाने में दिक्कत ना हो, और अगली बार कभी भी अगर ऐसा हो तो आसानी से IC निकल कर इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो एक 3842 IC लगेगा, ठीक है। देखिए ये IC आपको चाहिए तो देखिए मेरे पास कितने सारे पड़े हुए हैं, जितने भी पीस चाहिए उतने भी पीस ले जाइए, 10, 20, 50 पीस, 100 पीस, 500 पीस, 5000 पीस, जितने भी पीस चाहिए उतने मिल जाएंगे आपको, और भी एकदम ओरिजिनल IC जेन्युइन। देखिए मैं नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ, 3842। देखिए ठीक है, साथ ही इसका IC का एक बेस ले लेते हैं, 8 पिन का। तो देखिए एक IC का बेस हमने लिया है, ठीक है। साथ ही हमें एक MOSFET चाहिए, इसमें 8N60 था तो हम 20N60 लगा देंगे, फर्स्ट क्लास चलेगा। 20N60 का MOSFET जितना भी पीस चाहिए आपको ये लीजिए, मिल जाएगा बिल्कुल। देखिए ओरिजिनल पीस मिलेगा, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए 20N60, जितने भी पीस चाहिए उतने पीस आप ले जाइए, एक पीस दो पीस तो नहीं मिलेगा फिलहाल। इसमें आपको कम से कम भी 10 पीस की क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो मैं 20N60 का एक MOSFET ले लेता हूँ, ये चीज़ें लगाता हूँ। साथ ही साथ पॉइंट यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, ये भी मैं लगाता हूँ। उसके बाद 1K का यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा, ये भी लगाता हूँ। उसके बाद एक 1K का रेजिस्टेंस लगेगा, ये भी मैं लगाता हूँ, ये देखिए। और एक 0.33 का रेजिस्टेंस लगेगा,
ये भी मुझे हमें लगाना होगा, तो वो भी मैं ले लेता हूँ। देखिए कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए 0.33 जितने भी पीस चाहिए उतने पीस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लगाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमें आईसी बेस को फिट करना है, तो आईसी बेस को हम फिट कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए आसानी से फिट हो जाएगा, चिमटी की मदद लीजिए, बिना चिमटे ट्वीजर के ये फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नए स्टूडेंटों को काफ़ी दिक्कत होती है भाई कि हम अगर काम सीखेंगे तो सामान कहाँ से मिलेगा। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई सी बी एस लगा दिया मैंने, इसको पीछे से हमें क्या करना है, सोल्ड कर लेना है। इसको हमें आई सी बी एस को सोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये आराम से एक एक करके देखिए, इसकी 8 पिन है, 8 पिन पे आपको सोल्ड कर लेना है 8 पिनों को। उसके बाद हमें यहाँ पर जो प्रिंट है उसको साफ करना है, और उसके बाद आगे की तरफ और सामान लगाना है। तो यहाँ 8 पिन के बाद हमें लगाना है जो आईसी से 6 नंबर पिन निकल रहा है उस पर हमारा लगाना है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, आईसी के 6 नंबर पिन से, तो आईसी का 6 नंबर पिन जो हमारा निकला है वो हमें गिनती करके यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर पिन है, इधर से है 1 2 3 4 5 और 1 6, तो पलटी मारेंगे तो ये 6 जाके यहाँ से होके और इधर गया है, तो हमें यहाँ पे लगा देना है एक रेजिस्टेंस 10 ओम का। ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है, ध्यान से लगाना है, कहीं इधर से उधर रेजिस्टेंस अगर आप लोग उल्टा पुल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल भी चार्जर चालू होने वाला नहीं है, और फिर आप लोगों को समस्या होगी। तो उससे अच्छा है कि पहले बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करें। ये 6 नंबर पे रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस हमें लगाना है 102, ये लगा देने हैं यहाँ पर आईसी के 3 नंबर पिन पर, 102 का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी हमें आसानी से बैठा लेना है। उसके बाद हमें एक लगाना है 0.33 का रेजिस्टेंस, तो ये लग जाएगा यहाँ पर, सभी रेजिस्टेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाएंगी, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 0.33 का रेजिस्टेंस पहले हम ये जो लगाए हैं उसको सोल्ड कर लेते हैं, ताकि यहाँ से थोड़ा सा जो पीने निकली हैं वो ठीक हो जाएं। इसको हमने सोल्ड कर लिया, इसको हमने सोल्ड कर लिया अच्छी तरीके से, सभी को अच्छी तरीके से सोल्ड कर लेना है। ठीक है, इसकी ओवर पीने हैं उसको काट लेना है हमें, ध्यान दीजिएगा कि ओवर पिन काटे तो कभी भी काउंटर पे ना रखें इसको, नहीं तो पता लगे कि गलती से किसी चार्जर के नीचे आ गया तो वो शॉर्ट हो जाएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा AK-47 है, इसे सुराखों को साफ कर लेंगे। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगेगा 10K का और साथ में लगेगा 0.33 का। ठीक है, तो 0.33 यहाँ पे हमें लगाना है। देखिए, और एक लगाना है हमें 10K का, और इसके बाद हमें और भी सामान लगाने हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं से हो गया, अभी तो और सामान लगेंगे, काफी सामान लगेगा इसमें, तो पहले इसको लगाना है, इसके बाद इसको हमें क्या करना है, लगा के सोल्ड कर लेना है। सोल्डिंग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, लूज कॉन्टैक्ट ना रहे, नहीं तो मॉस्फेट आपका फिर से शॉर्ट मार देगा। हो गया, इसको भी हमें क्या कर लेना है, काट लेना है। इसके बाद हमें
3842 की आईसी जो हमारी ख़राब थी, जो ड्राइवर आईसी है, इसको हमें ठीक करना है। इसको हमें लगाना है यहाँ पर। इस आईसी को, पिन को अच्छी तरीके से देखकर हमें लगा लेना है। आराम से काम करना है, गड़बड़ा के या जल्दीबाजी में काम करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा और किसी का कुछ नहीं जा रहा है। देखिए, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जैसे मैं ऑफलाइन स्टूडेंटों को बताता हूँ सेम वैसे आपको बता रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डायग्राम का यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन स्टूडेंटों को डायग्राम के साथ समझाता हूँ ताकि अच्छी तरीके से भेजे में उनके घुस जाता है। मॉस्फेट चेक करेंगे, 2060 जो लगा है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 10 वोल्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसको हमें लगा देना है, इसके लिए जो थोड़ा सा ये कार्बन है इसको साफ कर लेते हैं ताकि जला हुआ हमें फील ना हो। यहाँ पर हमें लगा के इसको टाइट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कई आदमी का सर कमेंट आता है सर कि मेरा मॉस्फेट लगाने के बाद चलता नहीं है या टिकता नहीं है। तो देखिए सर, ऐसा है कि अगर सब कुछ सोचेंगे कि अगर वीडियो देख के ही काम हो जाएगा तो नहीं होगा। जिंदगी में कोई ना कोई एक शिक्षक या गुरु आपको बनाना ही होगा जो एक सही से राह दिखाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को चुनिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन चुनना तो पड़ेगा पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा मेन फंडा होता है एम्पियर कंट्रोल करने का। अगर 2.5 एम्पियर का चार्जर है और उसने 2.5 एम्पियर से ऊपर लोड अगर एम्पियर लिया, तो इसमें मॉस्फेट आप जितना मर्जी हैवी ड्यूटी का डाल लीजिए, जितना मर्जी अच्छा डाल लीजिए, उसने मॉस्फेट को शॉर्ट होना ही होना है। अभी एम्पियर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, तो ये तो सब भाई यहाँ आना होगा आपको मेरे पास, ठीक है। तो जो पिन कमजोर है, जैसे कि मान के चले जो पीसीबी से प्रिंट हमारे जले हुए थे, उसको हम सही कर लेते हैं। और प्रिंट देखिए, ये प्रिंट हमारा बेकार था, अगर इसको हम नहीं सही करते तो ये चार्जर ऑन वैसे भी नहीं होता। तो इसको हम सब साफ करके और अच्छे तरीके से सोल्ड कर लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। तो देखिए फाइनली गाइस, ये चार्जर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यह काफ़ी सामान इसमें लगता है कि किसी मिस्त्री ने इसके साथ ज्यादती की हुई थी, मतलब कि बदला निकाला हुआ था इस चार्जर के साथ। इसका फीडबैक सर्किट पूरा ही निकाल फेंका था, मैंने बाद में ध्यान दिया तो यहाँ पर ऑटो कपलर भी निकाल के फेंक रखा था। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को पॉज करके, तो यहाँ पे ऑटो कपलर पिछले वाले शूट वीडियो में नहीं है। तो देखें यहाँ पर 3842 आईसी या रेजिस्टेंस वगैरह मैंने ये 0.33 का रेजिस्टेंस से डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर चेक करिएगा एम्पियर कितना ले रहा है। इस एम्पियर मैं मल्टीमीटर से आप लोगों को चेक करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार ये दिखा दूँ कि ये चार्जर क्या ऑलरेडी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कहीं आप लोग सोचे कि नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार ये लाइट को बंद कर देता हूँ। तो देखिए मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर एक रेड बत्ती जल गई है आपकी, ठीक है। अब मैं इसको चार्जिंग ऑन करता हूँ तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, चार्जिंग ऑन करता हूं तो देखिए दोनों रेड हो गई। तो देखिए यहां पर दोनों एलईडी हमारी रेड हो गई और एम्पियर देखिए 2.36 एम्पियर है। और देखिए फैन भी यहां पर बहुत मस्त मौला होके चल रहा है। तो इसका अगर प्रॉपरली काम सीखना है, इसका एम्पियर कैसे कंट्रोल करना है या फीडबैक सर्किट कैसे रिपेयर करना है, तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। मेरा एड्रेस है शाहजहांपुर, पिन कोड 24201, कॉन्टैक्ट नंबर 8931000172। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।